कहिए कैसे हैं आप? गुस्सा यानी एंगर, इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में, रिजल्ट्स इसके अच्छे नहीं होते। गुस्से के, एंगर के रिजल्ट अच्छे नहीं होते। देखिए, दुनिया में ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसको गुस्सा ही ना आता हो। बहुत और बहुत रेयर लोग होंगे जिनको गुस्सा नहीं आता। जरूरत इस बात की है कि कंट्रोल कैसे करें। गुस्सा अगर आ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करें, उसको रोके कैसे। असल में हुआ क्या है कि कुछ ही देर पहले मेरी एक फ्रेंड आई और बहुत गुस्से में, तो मैंने पूछा क्या हुआ। कहती मैं स्कूल से आ रही हूँ और स्कूल में ना उन्होंने ट्यूशन फीस बढ़ा दी। स्कूल में ट्यूशन फीस बढ़ाती है और पढ़ाते हैं नहीं, मतलब फीस पे फीस बढ़ाया जा रहा है, पढ़ाते हैं नहीं। और मैंने उसको ना थोड़ा सा शांत करते हुए मैंने बोला चाय पियो, तो बोली नहीं पियूंगी चाय, और गुस्से में चली गई। अब जरूरत क्या थी? जरूरत चाय पे गुस्सा उतारने की क्या जरूरत थी? क्या चाय पे गुस्सा उतारने से ट्यूशन फीस ठीक हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो उस दिशा में हमें प्रयास करने होंगे कि किस तरह से ट्यूशन फीस ठीक हो, किस तरह से स्कूल में पढ़ाना शुरू करें, पर गुस्सा ऐसे उतारना। और एक बात तो श्योर है कि उसने टीचर पे गुस्सा नहीं उतारा होगा, क्योंकि बच्चे का कैरियर टीचर पे गुस्सा भी नहीं उतार सकते। अब देख लीजिए, हम भी कितने अफोर्डेबल हैं, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, सबसे गुस्से वाला सवाल, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। मैं नेट पे भी सर्च कर रही थी, एक तो सारी भाषाओं में लिखा था कि गुस्से पे कैसे कंट्रोल करें। एक उसमें जैसे होता है ना, हम बोलते पानी पी लो, या इधर उधर चले जाओ, टहलने लगो, या सो जाओ, ध्यान हटा लो वहां से, योगा करो, सांस अंदर बाहर लो, कंसंट्रेट करो। ये सब बातें ठीक हैं, पर मेरे हिसाब से ना कुछ एक बातें, जैसे कि हम ये सोच लें कि अगर गुस्सा आएगा ना तो हमारे शरीर का ही नुकसान है, हमारे खुद का ही शरीर का नुकसान है। क्या होगा? गुस्सा आएगा, गुस्से में हमारी सांस फूलेगी और हमारा बीपी बढ़ेगा, और हार्ट पे भी, हमारे दिल पे भी असर हो सकता है, और उसके अलावा हम हाथापाई करें तो किसी की जिंदगी पे भी असर हो सकता है। फिर हमें डॉक्टर के भागना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, फिर पैसे खर्च होंगे, फिर लोगों को परेशानी होगी, घर को परेशानी होगी, आपका ऑफिस सफर करेगा। तो इतना किस लिए करना है? पहले कंट्रोल कर लो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने से पहले ही कंट्रोल कर लो। दूसरी बात ये भी सोचा जा सकता है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कि जब हम गुस्सा करते हैं ना तो हमारी शक्ल बिगड़ जाती है। और लेडीज तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है शक्ल को लेकर के, खूबसूरत दिखे, तो लाल लाल आंखें, गुस्से में तमतमाया शरीर, मसल्स जो होते हैं ना हार्ड हो जाते हैं, भवे ऐसे गुस्से में तन जाती है। तो अगर किसी ने आपकी फोटो ले ली तो क्या होगा? आप तो गुस्से में है ना, आपकी फोटो अगर किसी ने ले ली तो क्या होगा? क्या रह जाएगी आपकी? तो इसलिए कोशिश कीजिए कि गुस्सा ना करें। मतलब ऐसे है ना कि मुझे पता है कि गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं रहता, कंट्रोल मतलब बहुत बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है कि कुछ कर दें, पर जरूरी है, क्योंकि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत खराब होते हैं, बहुत ज्यादा खराब होते हैं। वैसे एक बात तो है कि हम गुस्से को उतना ही करते हैं जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। पहली बात तो अभी जो सुबह हुआ कि जो मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, उसने टीचर को गुस्सा नहीं किया। टीचर को उसने गुस्सा क्यों नहीं किया? गुस्सा तो उसको बहुत आ रहा था, उसने मेरे ऊपर उतारा, उसने चाय के ऊपर उतारा। टीचर के ऊपर उसने इसलिए नहीं उतारा कि अगर टीचर को गुस्सा करेगी तो बच्चे के कैरियर पर असर होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए लेडीज की बात करूं मैं, तो काम वाली बाई नहीं आई, घर पे नहीं आई, तो गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि हम ग्लास हाथ में है ना, कांच का, उसको फेंकना चाह रहे हैं जमीन पे, पटकना चाह रहे हैं, पर नहीं पटकते। क्यों नहीं पटकते? गुस्से में क्यों नहीं पटकते? क्योंकि वो हमें सफाई करनी पड़ेगी, वो तो नहीं आई ना। या फिर वो आई है तो हम उसको गुस्सा करेंगे? काम वाली बाई को गुस्सा करेंगे? नहीं कर सकते। उसका गुस्सा अपने हस्बैंड पे या अपने बच्चों पे या अपनी सास पे, किसी पे भी उतार देंगे, पर उसको गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि वो रूठ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मतलब गुस्से में तमतमा रहे हैं हम, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आई नहीं, और डोरबेल होती है वो आ गई, काम वाली बाई आ गई, तो अच्छा स्माइल आ जाएगी चेहरे पे, अच्छा आ गई, कोई बात नहीं, चल देर तो हो जाती, कई बार हो जाता, चल तू काम कर, चाय पिएगी क्या, अदरक वाली। ये होता है। मतलब हमें इतनी सहन शक्ति है कि हम कंट्रोल कर लेते हैं,
गुस्सा कहाँ पे उतारना, किस पे उतारना हमें पता है, तो फिर कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। हम क्यों गुलाम बने, सबसे बड़ी बात, गुलाम क्यों बने कि गुस्सा कहेगा मैं आ रहा हूं, मेरे गुलाम हो जाओ। क्यों हो जाए भाई, तुम क्या लाड साहब हो, हम तुम्हारे गुलाम क्यों बने? हम नहीं करते गुस्सा, जाओ कर लो जो तुमने कुछ करना है, हम नहीं करते गुस्सा, ये होना चाहिए। हम क्यों गुस्सा करें? और गुस्सा जब आए ना तो थोड़ा सा सोचने लग जाओ, थोड़ा सा ना जैसे मन में ये सोचो कि मैं तो सुन नहीं रहा, एक कान से दूसरे कान से बात निकल, एक कान से सुन रहा हूँ दूसरे से बात निकल। अगर कोई हमें गुस्सा कर रहा है तो हम ये सोचें कि हमें गुस्सा नहीं आ रहा, हम तो बिल्कुल रिलैक्स हैं, एक कान से दूसरे कान से बात निकल, चेहरे पे मतलब मैं खुश हूं, मतलब मैं कोई गुस्सा नहीं ले रहा, सीधी मतलब ऐसे ही कि मैं कोई गुस्सा नहीं ले रहा। पर स्माइल भी नहीं आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि सामने वाला डांट रहा है ना, तो जो डांट खा रहा है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और अगर स्माइल आई तो गए काम से, वो होता है ना गई भैंस पानी में। क्योंकि जब स्माइल आ जाएगी दूसरा डांट रहा है तो वो गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। जैसे आमतौर पे होता है ना, मेरे साथ भी हुआ था, मम्मी गुस्सा करते हैं, जब छोटे थे मम्मी गुस्सा करते थे तो हंसी आ जाती थी। उसका रीजन ये था कि मम्मी को गुस्सा करना ही नहीं आता था, तो ऐसे 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 करके गुस्सा करते थे तो हंसी आ जाती थी। अब हंसी आ गई तो अभी तक तो जो गुस्सा हो रहा होता था वो पिटाई पे आ जाता था, क्योंकि हंसना नहीं चाहिए। मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राय है कि जब गुस्सा कर रहे हो ना तो मुंह इधर, हंसी बहुत ज्यादा आ रही है ना तो निकल जाओ, बस चुपचाप निकल जाओ, स्माइल या हंसना मत। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुस्सा ना क्षणिक होता है, बहुत बहुत कम टाइम के लिए होता है। मतलब आया और गया, किसी को देखा है कि वो 2 घंटे से गुस्सा बैठा हुआ है, 4 घंटे से, वो अलग बात है कि हाँ हम कोप भवन में चले गए, हम नाराज हो गए, पर ज्यादा लंबा स्टे नहीं करता गुस्सा, आता है चला जाता है। तो मन में ये सोचिए दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये जो गुस्से वाला टाइम है ये निकल जाएगा, गुस्सा नहीं करना। मतलब क्षणिक चीज के लिए क्यों हम अपना जिंदगी, कई बार तो जिंदगी पे बात आ जाती है, एक छोटी सी बात के लिए हम पूरी जिंदगी क्यों खराब करें। एक बहुत छोटी सी कहानी भी पढ़ी थी मैंने कि एक ना मतलब एक संत होते हैं महाराज, तो उनके पास एक आदमी आता और ऐसे बोलने लग जाता, उनको बहुत बहुत जैसे बोलते ना गालियां देना, गलत बोलना, तो वो कुछ नहीं कहते, वो बोलते कल तेरे को जवाब दूंगा, कल दूंगा तेरे को जवाब। तो बोल बाल के गलत सलत बोल बाल के वो बोलता है ठीक है, और अगले दिन जब संत आते हैं ना तो पहली बात तो वही जो आदमी जिसने गालियां दी होती है वो रियलाइज कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि आज क्या बोलेंगे संत महाराज, आज क्या बोलेंगे मुझे। महाराज जी आते हैं संत और उसके पास आके बोलते हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो बोलता है अरे कल तो मैंने इतना सारा आपको गलत सलत बोला, आप क्यों नहीं बोलोगे? तो वो बोले कि मेरे गुरु ने ये समझाया था कि जब कभी गुस्सा आए ना तो 24 घंटे के लिए शांत हो जाओ, जिस व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है उससे 24 घंटे के लिए शांत हो जाओ, कोई रिएक्शन मत दो, क्योंकि जब मैं अगर उसी समय बोलता ना तो मेरा अवचेतन मन है ना जो बिल्कुल सोया हुआ मन है वो बोलता। अब मैं तुम्हारी बात सोची समझी, हो सकता है तुमने कुछ ठीक भी कहा हो, तो मैंने उस पर विचार किया और अब मुझे कुछ नहीं कहना, अब मुझे कुछ नहीं बोलना तुम्हारे लिए। तो वो आदमी उनके पैरों में पड़ गया, कहता आप तो महान है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब इतना क्षणिक होता है गुस्सा, आया और गया, और हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। देखिए गुस्सा हम अफोर्ड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमें पता है कि किसके आगे उतारना है। ऑफिस में कोई अगर बॉस किसी को बुलाता है कि आओ इधर का आओ, और आपको किसी बात पे, घर की किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, आप बॉस के सामने जाते हो, बॉस बोलता है कि ये काम नहीं किया तुमने, तो बोलो मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या, तुम कर लो काम, बोल सकते हैं। यही चीज हम घर पे तो बोल सकते हैं बच्चों को, बच्चा अगर टीवी भी देख रहा है, वो चैनल चेंज कर रहा है, तो उसके हाथ से रिमोट छीन के और उसको 2 लगाएंगे, जा तो अपने कमरे में बैठ के पढ़, सारा दिन टीवी देखता है। पर वही गुस्सा बॉस के आगे तो नहीं उतार सकते ना। अगर बॉस आपको गुस्सा करता है फिर तो सिर झुका के जी सर आई एम सॉरी मैं करूंगा काम, मैं ध्यान रखूंगा, ये बोलते हैं। जब हम हर चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, गुस्से को अफोर्ड कर सकते हैं, तो कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपनी सेहत का वास्ता देके और अपने सबसे अच्छे दोस्त। एक्चुअली क्या है कि ना, हमें जब गुस्सा आ रहा हो ना अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ, अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो कि यार करके बोलो उसको, यार तूने गुस्सा नहीं करना, यार तू तो इतना स्मार्ट है, छोड़ यार क्या कर रहा है, अपने आप को।
पानी पीने तो जाएंगे ही जाएंगे हम गिनती तो गिनेंगे ही, सांस तो लेंगे ही, ऊपर नीचे लंबी लंबी काउंटिंग करेंगे सांस की। पर उससे पहले अपने आप को समझा लो, अपने मन को बोलो यार बस आज देख लेते हैं, आज तो तू देख ही ले कि मैं आज कितना शांत रहूंगा, चुप हो जाऊंगा मैं। हमें फ्यूचर का सोचना है ना, इसलिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना ही पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। जो बोल रही हूँ ना, एंगर कंट्रोल मोटिवेशन, एंगर कंट्रोल मोटिवेशन, हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि हमें गुस्सा नहीं करना, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। कुल मिला के यही बात है कि बहुत सारे, देखिए मेरे पास भी ना मेल आते हैं कि भाई क्या करें, हमें बहुत गुस्सा आता है, लेडीज को, स्पेशली लेडीज को, बच्चों के लिए कि बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है तो मैं कंट्रोल करना चाह रही हूँ। तो ये चीजें कुछ ध्यान रख लीजिए कि भाई अगर गुस्सा किया तो हमारी शक्ल खराब हो जाती है, हमारी सेहत खराब हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। और हमारी जो है ना, हमें अगर अपनी पर्सनैलिटी, हमें अगर अपनी पर्सनैलिटी भी निखारनी है ना, उस पर चार चांद लगाने हैं ना, तो हमें गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और जितना मैं आपको देख पा रही हूँ, आप तो कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं तो देख पा रही हूँ, बस आपको देखना है बस अपने अंदर। तो जरूर सोचिएगा इस बारे में, कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए, स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बाय।